रखते हैं जो औरों के लिए मोहब्बत का जज्बा, वो लोग टूटकर कभी बिखरा नहीं करते। यही है बंदगी, यही है दीनों माँ कि दुनिया में काम आए इंसान के निशान। आज अभी अभी ये बागुल अड्डा में आग बढ़ उठी एक दुकान में, जिसमें बड़े सिलेंडर मौजूद थे गैस वाले, तो यहाँ पर लोग तो बहुत इकट्ठे थे, लेकिन जान का बहुत सारा खतरा बन चुका था। मारते गिरने का अगर सिलेंडर फटते तो आप ये देख रहे हैं, मैं तुम्हारे दिखाने जा रहा हूँ हर वक्त एकदम यार भाई मैक्सियों वालों ने किया, लेकिन उनमें से एक हमारे एक मजाह दोस्त जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ऊपर जाकर उसको आग बुझाने वाला सिलेंडर के साथ उस आग को बुझाया, क्योंकि यहाँ पर लोग तो बहुत तादाद में थे, बहुत ही फिक्रमंद थे कि अभी अभी धमाका हुआ, अभी धमाका। मैं भी मौजूद था, मैं भी ये कवरेज कर रहा था, तो मेरे साथ ये दोस्त मौजूद हैं रेस्क्यू वाले, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? जी मेरा नाम फैसल याद है। अच्छा, आपको डर नहीं लगा जिस वक्त आप ऊपर ये लेकर जा रहे, करीब लोग तो भाग रहे थे दूर से, आप करीब चले गया, आपको अपने कोई डर वगैरह नहीं लगा, आपको जान की नहीं पेरी लगी? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात की तरबियत दी गई है कि हम इसको एक टेक्निकल तरीके से हम आग पर काबू पा सकते हैं, टेक्निकल तरीका इसके ऊपर अप्लाई करके आग को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर टेक्निकल तरीके से आग को ख़त्म किया जाए तो फिर इंसान की जान भी बच जाती है और आग भी ख़त्म हो जाती है। यानी कि आप इस मामले में क्वालिफाइड थे, आपको श्योर था कि आप क्वालिफाइड हैं, इंशाल्लाह आप काबू पा लेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें श्योर था कि हम इस आग पे काबू पा सकते हैं, तो हमने फौरन सिलेंडरों पे फायर एक्टिवेशन की मदद से आग पे फायर एक्टिवेशन इस्तेमाल किया और आग ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से। लेकिन मामला तो कभी बिगड़ सकता था ना, कि अगर दोनों सिलेंडर फटते तो ये तक धमाका ही था, आपका क्या हाल है? वो इसी तरह बात है, लेकिन हमने अपने आप को सेफ्टी में रख के उसके ऊपर फायर एक्टिवेशन इस्तेमाल किया और आग पर हमने काबू पाया, तो हमारे दरमियान डिस्टेंस भी था जिस वजह से हम महफूज रह सकते थे। उसके बाद हमारे पास और गिली इकदाम थे आपके पास? हाँ जी, गिली बोरियाँ थी, हमने जो वो उसके ऊपर फेंकी, उसके बाद ये एकदम दोनों चीज़ों को जब हमने इस्तेमाल किया, उसके ऊपर अप्लाई किया, तो दस्ती आग ख़त्म हो गई। मैंने वो वीडियो बनाई है, बड़ा जजाकल्ला जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी आपका नाम? मेरा नाम फाहद बिलाली है। जी आपने भी साथ इनके काफ़ी काम किया, आप भी इस बारे में कुछ कहेंगे? जी सर, इसमें हमारा पूरी एक तकनीक होती है, उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने जो भी काम करना होता है उसके मुताबिक करना होता है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमें सिखाया जाता है कि जब भी आपने कोई भी ऐसी एमरजेंसी हो, सिलेंडर को लग जाए, आग लग जाए, गैस हो उसमें, तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर जो ट्रेनिंग याफ्ता लोग हैं ना जी, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वैसे नहीं, वो हमें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह आपने यूज़ करना है, कौन सी एमरजेंसी पे किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह उसी लिहाज से हमने यूज़ किया है। साथ में हमारे पास वो बोरियाँ थी गीली, और कुछ वो लड़कों ने भी हेल्प की है, उन्होंने रेत लेके आए हैं वो उसके साथ, और साथ एक्सटिंग्विशर यूज़ किया। तो माशाल्लाह, आपका होस्ट शेख मुजफ्फर हुसैन, ये अभी हमारे बागुलकना के अड्डे पर आग बढ़ उठी जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन अख्तियार कर चुकी थी, तो यहाँ पर बार वक्त पहुँच गए हमारे रेस्क्यू याना भाई और पुलिस भी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर याना भाई लाए, जिनाब मेरी मुराद चौधरी आसिफ साहब। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरे साहब, आपने वो दरिया वाला वो मामला तो आपको याद होगा, जब बच्चे डूबे थे तो आपने एक वादा किया था, उसको आपने वफा भी कर दिया, आज उसने फिर बड़ा काम किया, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, भागवाल के बंदे की खुशकिस्मती है कि असी ये काम किया तो वह फायदा अज ले लिया बस। मैं अगर ये अभी दो सिलेंडर से फटते तो काफ़ी सारे मामला उलझ सकते थे, नुकसान हो सकता था, आप समझते कि इस बारे में आपकी ये कावज काफ़ी लोगों में पसंद की जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो पता ही है, लेकिन ये लोगों के पसंद नापसंद का नहीं होता मामला, मामला होता है अल्लाह के साथ बस। हाँ बिल्कुल, खुश हो जी, अल्लाह पाक को मंजूर हो तो यही हमारे लिए काफ़ी। जी मेरे साथ चौधरी आसिफ साहब थे, इनकी काविशें हैं, भपते हैं, तो अभी बाकी तो मैंने वीडियो आपको मेरे चैनल पर आप देख लेंगे। जी शुक्रिया जी।